ले जी, आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये आपको पता है बच्चों स्टेटमेंट्स वाले हैं। स्टेटमेंट्स वाले बहुत से स्टूडेंट्स याद करते ही नहीं है क्योंकि उनको समझ नहीं आती, लेकिन मैं एक एक स्टेटमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम बारी बारी से क्वेश्चन में आएंगे। फाइंड आउट, फाइंड द मिनिमम लेंथ, कम अज कम लंबाई मालूम करें ऑफ द रिबन, एक रिबन की, विच कैन कम्प्लीटली बी कट इन टू पीसीज ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। इसमें से कुछ भी ना फाइन, कुछ भी ना रह जाए, यानी कि एक आपके पास रिबन है, ठीक है, उसको आपने इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक की लेंथ 45 हो जाए, 75 हो जाए और 85 हो जाए, ठीक है, और बाकी कुछ भी ना रहे। और इसकी मैक्सिमम मिनिमम लंबाई, कम अज कम लंबाई क्या होगी? अब देखें, इस क्वेश्चन को करने के ना आपके पास दो वेज हैं। एक तो है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने बच्चों किया है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, उस तरह भी कर लें इनके 45 के, 75 के और 85 के अलहदा अलहदा फैक्टर्स बना लें। नहीं तो उससे ज़्यादा जो आसान तरीका है वो है डिवीजन का, ठीक है। अब डिवीजन में क्या प्रोसेस में आपको पता है कि यहाँ पे बच्चों के आ जाएगा 45, 75 और 85, ये सो आसान है। सबसे पहले हम 3 के टेबल पे देखते हैं, 3 1 3, 3 5 15। अब 3 के टेबल पे 75 जा रहे हैं, हाँ जी, 3 2 6, 1 3 5 15, इधर 85 नहीं जाता, 85 जाता है, 3 2 10, हाँ जी जाता है, 3 2 6 2 कैरी, 3 नहीं जा रहा, तो 85 बच्चों आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, 85 फिर एज इट इज़ आ जाएगा। आगे हमारे पास 3 के टेबल पे 3 5 15, 25 एज इट इज़ और 85 भी एज इट इज़। आगे 5 के टेबल पे देखते हैं, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 6 7 8, 3 कैरी, 5 7 35, इधर आ जाएगा 5 1 5, 17 एज इट इज़, आगे आ जाएगा 17 1 17 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है लीस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। बच्चों यहाँ पे आंसर आ रहा है 3 8 25, और आंसर किस में आपके पास सेंटीमीटर में आपने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके पास क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर फाइंड करें, डैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाई, जो डिवाइड हो जाए, किस से डिवाइड हो जाए, 42 से डिवाइड हो जाए, 38 से डिवाइड हो जाए एंड 16 से डिवाइड हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, फाइंड कर लेते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर के तरीके से। 42 है, 38 है, 16 है, ठीक है, 2 के टेबल पे 2 2 द 4, 2 1 द 2, इधर क्या आ जाएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 2 8 द 16, आगे 21 एज इट इज, 19 भी एज इट इज, 2 4 द 8, 21 भी एज इट इज, 19 भी एज इट इज, 2 2 द 4, आगे 21 भी एज इट इज, 19 भी एज इट इज, 2 1 द 2, ठीक है। अब 21 पे बात करते हैं, 3 7 द 21, 19 भी एज इट इज, 1 भी एज इट इज, 7 1 द 7, 19 भी एज इट इज, 1 भी एज इट इज, 19 1 द 19 आ जाएगा। अच्छा जी, आगे देखें लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 1 2 3 4 × 3 × 7 × 19, लें जी 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16 16 3, अब मुझे नहीं पता, अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा कर क्या करने लगे हैं, क्या करें भला बच्चों, इन सब को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ना आपके पास आंसर आ रहा है 6 3 8 4। ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों पे डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, द टूर बसेस फॉर बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद के लिए जा रही हैं बसेस, टूर बसेस लीव द स्टेशंस, स्टेशन से रवाना हो रही हैं कब, एवरी 25 मिनट्स, हर 15 मिनट्स के बाद। फोर इंटीरियर सिटी, अंदरून शहर से रवाना हो रही है एवरी 15 मिनट्स, एंड फोर द जू और चिड़ियाघर के लिए हर 30 मिनट से जा रही हैं। कहाँ से जा रही हैं, बादशाही मस्जिद से, सॉरी स्टेशन से,
बादशाही मस्जिद के लिए जा रही हैं 30 मिनट के बाद, फिर उसके बाद कहाँ से जा रही हैं, अंदरून सिटी से जा रही हैं स्टेशन से 15 मिनट के बाद, और फॉर द लास्ट इज़ फॉर द जू एवरी 30 मिनट्स। एक जा रही है भाजी 25 मिनट बाद, एक जा रही है 15 मिनट बाद अंदरून शहर के लिए, और एक चिड़ियाघर के लिए जा रही है। अब आप किस में जाना पसंद करेंगे? ठीक है, 25 मिनट का वेट कर लें या 15 मिनट का वेट कर लें या फिर 30 मिनट का वेट कर लें। इफ़ द थ्री बसेज लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली, अगर तो वो 11:05 पे तीनों की तीनों बसेज चले जाती हैं, तीनों ही चली गई हैं 11:05 पे, फाइंड आउट द टाइम, वक्त बताएं व्हेन थ्री बसेज विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली, अगली बसें कब आएंगी और कितने बजे आएंगी, ये बताना है भाई। 25 मिनट के लिए भी जा रही हैं, 15 मिनट के बाद भी जा रही हैं, और 30 मिनट के बाद भी जा रही हैं। अब कहाँ कहाँ जा रही हैं, ये बादशाह मस्जिद के लिए एक है आपके पास, कहाँ के लिए, अंदरून शहर के लिए, और एक जा रही है आपके पास चिड़ियाघर के लिए। ठीक है जी, एक यहाँ पे याद रहे 11:05 में भाई सारी बसें चली गई हैं, तो अगली बसें कब जाएंगी, लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं भाई। आप डिवीजन कर लें, भाई आप फैक्टराइजेशन कर लें, एक ही आंसर आएगा, चाहे इसको अलग अलग कर लें चाहे इसको इकट्ठा कर लें। मैंने इकट्ठे तरीके से कर रहा हूँ, 15 है और 25 है, 15 है और 30 है। सबसे पहले 2 के टेबल पे 215 था, ठीक है। अब आपको पता है 2 के टेबल पे तो 25 नहीं जाता, तो 25 को एज इट इज़ लिख दें, 15 को भी एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। अच्छा 35 था 15, 35 का 15, 25 को भी एज इट इज़ लिख दें, 5 1 5, 5 1 5, 25 को एज इट इज़ नहीं, 5 5 का 25 इधर आ जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। अच्छा जी, इधर बच्चों आपके पास आ रहा है ना जो लीस्ट कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पे आएगा 2 × 3 × 5 × 5, 2 3 6, 6 5 30, और 30 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, 5 0 0, 3 5 15, 15 मिनट्स यानी कि 150 मिनट बाद बसें आएंगी। लीस्ट कॉमन फैक्टर में बच्चों 150 मिनट बाद बसें आएंगी। अब 150 मिनट्स क्या होते हैं भला, अब आपको पता है, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, 150 मिनट बाद बसें आएंगी। अब आपको पता है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार जो हमारे पास 1 आवर होता है ना, वो होता है 60 मिनट्स के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आया है, 150 मिनट्स, और 1 आवर किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के, तो हम कह सकते हैं फिर 2 आवर्स कितने मिनट्स के इक्वल होगा, 120 मिनट्स के, ठीक है। 1 आवर हो गया 60 मिनट्स के, और 2 आवर हो गया 120 मिनट्स के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल टाइम बनेगा ना वो आपके पास बनेगा 2 आवर्स + 30 मिनट्स, ठीक है, 2 आवर्स + 30 मिनट्स। अब देखें यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं, जो आपके पास आंसर आएगा ना बच्चों, वो आएगा लीस्ट कॉमन फैक्टर में जो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा, हम ऐड करते हैं 1105 + 2 आवर्स + 30 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे वो तीनों निकल गई हैं, और कब आ रही हैं वापस, 2 घंटे 30 मिनट बाद। तो बच्चों 11:05 हो गए हैं, उसमें 2 घंटे ज़रा ऐड करें, 1 घंटा ऐड करें तो 12:05, फिर 2 घंटे ऐड करें तो 11 में 2 ऐड करें तो 1 हो जाएगा, और 1 में 35 मिनट ऐड करें तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 12 1, यहाँ आ जाएगा फिर आपके पास 1:35 पे अगली 3 बसें आएंगी, ऐसे ही होगा जी हाँ, 1:35 पे अगली 3 बसें आएंगी, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बॉक्सिस हैविंग 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, बॉक्सिस की जो उन्होंने सेंटीमीटर्स में हाइट बताई हुई है, रिस्पेक्टिवली आर टू बी सेग्ड इकट्ठे हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं, वट इज़ अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट, इनकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, एट विच 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सिस, हर एक तीन एक तरह के जो बॉक्सिस हैं एक ही टाइप के विल बी द सेम हाइट, जिनकी हाइट सेम होगी। चले जी इनको बता देते हैं, 22 है, 35 है और 50 है। अच्छा जी, सबसे पहले 211 था, 35 एज इट इज, 225 था, ठीक हो गया। आगे 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 इधर आ जाएगा फिर 5, आई थिंक सो, है ना, हाँ 5
इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 11 एज इट इज, 5 7 द 35, 5 5 द 25, इधर आ जाएगा 5 1 द 5 11 भी एज इट इज, 7 भी एज इट इज, 7 1 द 7 11 भी एज इट इज, 11 1 द 11। अच्छा ओके हो गया। अब आगे देखिए यहां पर लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, 2 × 5 × 5 × 7 × 11। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, इसके मैक्सिमम हाइट कितनी बनेगी, 38 38 38 50 सेंटीमीटर। हमने उनको क्या बताना था भाजी, उनको हमने बताना था व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट, इनकी मैक्सिमम हाइट कितनी को होगी, एट विच जिस पर द 3 types of boxes, 3 किस्म के जो boxes हैं एक ही हाइट पे आ जाए, उनकी भाजी मैक्सिमम हाइट ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 पांचवी क्लास के बच्चे हैं, हैविंग मैथमेटिकल मैथमेटिक्स टेस्ट, उनका रियाजी का टेस्ट हो रहा है एवरी 3 days, हर 3 दिन बाद भाजी उनकी जान फंसी हुई है और मैथ का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश टेस्ट आफ्टर एवरी 6 days, इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है 6 दिनों बाद, मैथ का टेस्ट हो रहा है 3 दिनों बाद, कितनी ज्यादती है। अच्छा साइंस का टेस्ट हो रहा है आफ्टर 9 days, आहा हा मुझे लगी हुई है साइंस में, तो इफ ऑल द 3 tests विल कंडक्ट टूडे, अगर आज सब का टेस्ट आज ही हो जाए, फाइंड आउट वेन विल द 3 tests बी कंडक्टेड इन नेक्स्ट ऑन द सेम डेट, अगले जो टेस्ट होंगे तीनों वो कब आएंगे। ठीक है, दोबारा फिर स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 क्लास 5 के बच्चों की बात हो रही है, मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद मैथ का टेस्ट हो रहा है, इंग्लिश का 6 दिन बाद टेस्ट हो रहा है, साइंस का 9 दिन बाद टेस्ट हो रहा है, इफ ऑल 3 tests विल कंडक्टेड टूडे, अगर तीनों का टेस्ट आज ही हो जाए, फाइंड आउट वेन विल बी 3 tests विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे, अगले जो तीनों टेस्ट होंगे वो कब होंगे। चलें जी, सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा, 3 है 6 है 9 है, इधर 2 3 था 6 3 एज इट इज आ जाएगा, 9 भी एज इट इज आ जाएगा, 3 1 था 3 3 1 था, 3 3 3 था 9, इधर क्या आ जाएगा 3 1 था 3 1 था। ले जी कहानी खत्म हो गई। अब हम क्या करें, वही बात आ गई बार बार, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में हमारे पास क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, क्या आ गया 2 × 3 × 3 आंसर ही 2 3 6 6 3 18। लो जी 18 डेज के बाद इन तीनों के इकट्ठे टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चों हमारे पास कंप्लीट होगी एक्सरसाइज नंबर 2, रवियन, जितनी ज़्यादा आप बच्चों आप रवियन करेंगे इतने ही ज़्यादा आप मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं।